हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपको टू रोज डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत सिंपल है, छोटा है और देखने में बहुत स्टाइलिश। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में भी। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आइए हम इसे बनाते हैं। बहुत सिंपल भी है। बॉर्डर के बाद ये हमारी फर्स्ट रो होगी। आप फर्स्ट फंदे को इस तरह से आप स्लिप कीजिए, फंदे आगे की ओर और दो फंदे, ये देखिए दो को हम एक साथ डालते हैं। ये फंदे इस साइड आ गए तो एक ये हो गया, दो हमारा ये हो गया, फिर फंदे आगे की ओर तीन और ये चार, दो से चार निकालना है हमें, फिर फंदे आगे की ओर, फिर इस दो में से फिर फंदे आगे की ओर, फिर दो, मैं दो फंदों से चार निकाल रही हूं। ये हमारा इस डिजाइन का फर्स्ट रो है। आप बॉर्डर बनाने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट को हमने स्लिप किया, फंदे आगे की ओर किए और इस तरह से दो फंदों में से चार निकालना है, एक दो, ये तीन हमारा फंदा हो जाता है, ये चौथा, ये चार। फिर पूरी पूरी सिलाई हम इसे रिपीट करते जाएंगे। दो से हमें चार निकालना है। ये बस टू रोज का डिजाइन है। रॉन्ग साइड से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा भी है और बहुत स्टाइलिश। ये देखिए फंदा हमने आगे किया दो में से चार फंदे, एक और फिर से देखिए आप, दो फंदे मैंने फंदे आगे की ओर किया था, एक ये हमारा हो गया, दूसरा जो मैं इसमें से ये हमारा दूसरा हो गया, फंदे आगे की ओर, आगे करने से एक बढ़ जा रहा है, ये तीसरा हो गया और चौथा ये। दो से हमने चार निकाले, ये देखिए एक दो तीन चार, दो फंदों से चार निकालना है, यही हमारा डिजाइन है। और इसी तरह इस रो को हम रिपीट करते हुए कंप्लीट करते चले जाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से रिपीट होगी। फंदे आगे की ओर, दो में से चार निकालना। ये हमारी सेकेंड सिलाई है, रॉन्ग साइड। इस डिजाइन का सेकेंड रो है। आप देखिए फर्स्ट को तो मैंने स्लिप किया था, ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा था, ये इसी तरह से रहेगा। और हमें अब दो को एक करना है, दो फंदों को एक, दो फंदे को एक। पूरी सिलाई हम इसी तरह से दो फंदों को एक, दो को एक। ये हमारा इस डिजाइन का सेकेंड रो है। और इस जो हमने चार किए थे दो में चार, उसी को हमें अब दो करना है। आगे वाले दो में इस तरह से सिलाई डाल के दो फंदों को एक और इसे ही दो को एक। पूरी सिलाई हम इसी तरह रिपीट करते हुए चले जाएंगे। ये जो हमने चार निकाला है, ये दो, ये हमारा सेकेंड रो है और हमारे डिजाइन का दूसरा साइड है, बैक साइड है। और इस तरह से हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह रिपीट करते हुए आप पूरी रो को कंप्लीट कीजिए। दो फंदों को इस तरह से एक, जो हमने चार निकाला था उसे फिर दो को, और इसी तरह आप रिपीट करते हुए पूरी रो कंप्लीट कीजिए। इस रो की ये थर्ड सिलाई है। डिजाइन तो दो में कंप्लीट हो गया, पर हमें नए डिजाइन स्टार्ट करने के लिए आइए हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ दो एक साथ दिख रहे हैं इसमें। या तो आप ऐसे कीजिए, जब हमने फर्स्ट सिलाई में एक फंदे को स्लिप किया था, यहाँ आप दो को स्लिप कीजिए, दो फंदों को स्लिप कीजिए इस तरह से, और बाकी सारे दो में एक बनाते चले जाइए। इस दो को चार हमें करना है, दो फंदे में एक साथ नहीं,
फंदे आगे की ओर, दो फंदों में एक साथ, इसी तरह जो हमने फर्स्ट सिलाई में की थी, ये फंदा हमारे आगे की ओर आया, तो एक फंदे फिर आगे की ओर, टोटल चार फंदे हो गए। फिर फंदे मैं आगे की ओर करूंगी, दो में इस तरह से सिलाई, ये हमारा एक हुआ, ये दो, फिर फंदे की आगे की ओर, ये हमारा तीसरा हो गया फंदा, और ये चौथा। इसी तरह से जिस तरह हमने पहली सिलाई की थी, ये थर्ड, सिर्फ ये है कि फर्स्ट सिलाई में हमने एक फंदे को स्लिप किया था, एक्स्ट्रा उतारा था, उसके बाद फंदे आगे किए थे, लेकिन जब हम नया फूल स्टार्ट करेंगे तो दो फंदों को आगे करेंगे और फिर वही सेम चीज हम रिपीट करते हुए पूरा डिजाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। ये डिजाइन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।